हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा खास रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा डिमांडिंग थी। मैम, डीसी का प्रोजेक्ट बनाना कैसे है? डीसी के प्रोजेक्ट में कैसे 90+ मार्क्स मिलते हैं? हमें तो इतनी कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा कैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और क्या हम भी 90+ मार्क्स ला पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल ला पाओगे। जरूरत है तो थोड़ी सी करेक्ट गाइडेंस की, उसके बाद देखना कितने बढ़िया बढ़िया नंबर तुम भी लेकर आते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, DECE4 प्रोजेक्ट के बारे में। DECE4 का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, 90+ मार्क्स कैसे मिलते हैं, किन किन चीजों को फॉलो करके मिलते हैं, प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी। यहाँ पर आप हमारे कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स देख सकते हो। देखो जैसे इस बच्चे को यहाँ 97 और 93 मिले हुए हैं DECE4 प्रोजेक्ट में। इधर भी देखो 93 और 94 मिले हुए हैं इस बच्चे को। नेक्स्ट स्लाइड पर आए, ये देखो इस बच्चे को 93, 83 मिले हुए हैं, या 90 और 90 मार्क्स मिले हुए हैं। आगे ये देखो 97, 77, और ये बच्चा भी धन्यवाद कर रहा है। ये देखो 93, मैम आपने जो प्रोजेक्ट दिया था 90 मार्क्स आए हैं। तो ये सब कुछ बच्चों की मार्कशीट थी, कुछ बच्चों की थी, ढेर सारी मेरे पास मार्कशीट पड़ी हुई है जिसमें 90+ मार्क्स, 80+ मार्क्स इतने सारे बच्चों के हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो ना, ये 90+ वाले बच्चे थे। कोई बात नहीं, ये तो थे पुराने बच्चे, अब बारी है तुम्हारी। ठीक है जी, तुम 90+ मार्क्स कैसे ला सकते हो? आज की इस वीडियो में मैं कोई सैंपल नहीं दिखाने वाली कि ये ऐसा लिखना, ये ऐसा लिखना। ये वीडियो है प्रॉपर गाइडेंस की, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन किन चीजों को इस दिमाग में फिट कर लेना है, जो आपको मदद करेंगे 90+ मार्क्स स्कोर करने में। प्रोजेक्ट के सैंपल्स तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में चैनल पे डाल ही दूंगी, हिंदी मीडियम का भी डाल दूंगी, इंग्लिश मीडियम का भी डाल दूंगी, लेकिन ये वीडियो आपको समझाने के लिए कि भाई प्रोजेक्ट होता क्या है। DECE4 प्रोजेक्ट कितने दिन का काम होता है? 30 डेज का काम होता है। 30 डेज का काम कैसे होता है? हिंदी में चरण एक, जो कि फेज वन होता है, 5 दिन का काम होता है। चरण दो यानी कि फेज टू, 20 दिन का काम होता है। चरण तीन, फेज थ्री, 5 दिन का काम होता है। 20 + 5 + 5 कितने हो गए? 30 डेज। फिर आपको साथ में लगाने होते हैं एनेक्स्टर्स, संगणक, जो कि आप जिस स्कूल में ट्रेनिंग करी वहां की प्रिंसिपल मैम भी साइन करेंगी, वहां जो आपका गाइड है वो भी साइन करेगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, आगे सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? फेस वन, चरण वन से। कितने दिन का काम है? 5 दिन का काम है। हिंदी का 5 दिनों का लिखना है क्या? सबसे पहले आपने मान लो लिखा दिन एक, ठीक है। अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स, आप सबसे पहले नोट्स लिखोगे कि 8:30 बच्चे आ रहे थे, 9 बजे उन्होंने प्रार्थना करी, 9:30 पहली एक्टिविटी करी, 10 बजे ये करा वो करा। शॉर्ट में नोट्स लिखते हैं ना, जैसे शॉर्ट में वो होगा। हिंदी इंग्लिश में भी बता देती हूँ, नोट्स टेकन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। नोट्स लिखने हैं बिल्कुल शॉर्ट्स में। जब मैं आगे आपको अगली वीडियोस में सैंपल दिखाऊंगी तो ये सब कुछ दिखाऊंगी, ये अभी वाली वीडियो समझाने की। पहले दिन के आपने अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स लिख लिए, उसके बाद आप उसका अवलोकन और विश्लेषण यानी कि इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस लिखोगे। ऐसे टी फॉर्म बना के ऊपर आपने लिख दिया, जैसे ऑब्जर्वेशन, इधर आ जाएगा एनालिसिस, यहाँ आ गया अवलोकन, इधर आ गया विश्लेषण। ठीक है जी, सारे जो नोट्स लिखे हैं अब आप उनको इलैबोरेट करोगे कि 8:30 से 9 बच्चे आ रहे थे तो कैसे आ रहे थे? खुशी खुशी आ रहे थे, मम्मी थप्पड़ मार कर लेकर आ रही थी। थप्पड़ तो वैसे नहीं मारना, पनिशमेंट बैन है, लेकिन हम प्यार से ऐसे बच्चों कहते हैं चलो स्कूल चलो, वो लेकर आ रही थी। कुछ बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है। फिर उसका एनालिसिस इधर लिखा जाएगा, सब कुछ लिखा जाएगा। उसके साथ हर दिन का कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखा जाएगा कि वो पूरा ओवरऑल डे कैसा गया। ये तीनों चीजें कितने दिनों के लिए लिखनी है? 5 दिनों के लिए। पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, पांचवें दिन की। ठीक है जी, क्या मैम पहले चरण में कोई वीडियो बनानी है? बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं, नो वीडियो। क्योंकि पहले 5 दिनों में तो आप वहां जो टीचर पढ़ा रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो तो टीचर पहले से ही है, उसकी वीडियो बना के तुमने क्या करनी है? वीडियो तो तुम्हारी बनेगी, तुम टीचर बनने वाले हो, तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये जो बच्चे ये बोलते हैं
क्या बोलते हैं, मैम किसी से लिखा लिखाया प्रोजेक्ट लेके सबमिट करा दे, वो लिखा लिखाया प्रोजेक्ट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको अपना प्रोजेक्ट अपनी हैंडराइटिंग में जरूर लिखना है। मुझे पता है तुम्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, मैम समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखे। कोई बात नहीं, आप हमसे सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप सॉल्व असाइनमेंट लेना चाहते हो, सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हो, जिसके अंदर ऐसी बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज होंगी जो कि आपको मदद करेंगी 90+ मार्क्स स्कोर करने में। एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो, वो भी आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल जाएंगे। और हमारा सिर्फ और सिर्फ वही नंबर है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, और इस नंबर के अलावा हमारा मटेरियल कहीं से भी नहीं मिलता। अगर कोई आपको कह दे सिमरन मैम का मटेरियल दे देंगे, तो उनको खुद नहीं पता होता, पुराना मटेरियल उठा के आपको दे देंगे, ना आपका भला हो पाएगा ना मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, तो फॉलो कर रहे हो तो किसी समझदार को फॉलो करना। हमारा नंबर सिर्फ वही है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहले चरण की बात हो गई, पहले चरण की बात हो गई तो हम बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, फेज टू। कितने दिन का काम है भाई? 20 दिन का काम है। ये तो सिमरन मैम इतनी बार बता चुकी है कि क्या बताएं। पहले 10 दिन एक दिन में एक एक एक्टिविटी कराएंगे, तो कितनी एक्टिविटीज हो गई? 10। अगले 10 दिन एक दिन में दो दो एक्टिविटीज कराएंगे, तो हो गई 20। 20 + 10 = 30 एक्टिविटीज, यानी कि 20 दिन में आपकी 30 एक्टिविटीज होंगी। 30 एक्टिविटीज कैसी होंगी? मान लो पहली एक्टिविटी आपने लिखनी स्टार्ट करी, सबसे पहले अब आपकी एक्टिविटीज के कुछ डोमेन्स फिक्स हैं कि बच्चे की बड़ी मांसपेशियां पहले डेवलप हो, फिर छोटी मांसपेशियां डेवलप हो, फिर सिंगिंग की मतलब लय के साथ वो कुछ बोल पाए, फिर ड्राइंग कर पाए। ये नहीं कहीं से भी उठा के कुछ भी लिख दिया, मैडम मेरा मन कर रहा था कि मैं सारी गेम्स कराती रहूं, सारी गेम्स करा लूं। नहीं, सारे डोमेन है। आपको ये नहीं है कि बच्चे का बस दिमाग 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 पे ही फोकस कर रहे हो, आपने उसका फिजिकल डेवलपमेंट कराया ही नहीं। सारे एरियाज ऑफ पर आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना है। सारे एरियाज के लिए एक्टिविटीज होंगी जैसे आपकी प्रोजेक्ट मैनुअल में गिवन है। ठीक है जी, अब हिंदी में पहले आप लिखोगे लक्ष्य, उस एक्टिविटी का क्या लक्ष्य है, क्रिया का नाम, उस क्रिया का नाम क्या है, अपेक्षित सामग्री, कौन कौन सा मटेरियल उसमें यूज किया जाएगा पढ़ाने के लिए, विषय वस्तु, कैसे वो एक्टिविटी करवाई, एंड देन उसकी रिपोर्ट। ठीक है, गोल ऑफ द एक्टिविटी, नेम ऑफ एक्टिविटी, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कंटेंट, एंड देन रिपोर्ट। सारे के सारे सैंपल दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। ये वीडियो समझाने के लिए अगली वीडियोस में सैंपल्स दिखा देंगे। अब मैम फेज टू की एक्टिविटी बनेगी? जी हाँ, यहाँ पर एक्टिविटीज की वीडियोस बनेंगी। कितनी? फेज टू की बनेंगी 30 वीडियोस। कैसे? 30 एक्टिविटीज लिख रहे हो, 30 वीडियोस बना लेना। जो जो एक्टिविटी लिखी है उसी एक्टिविटी को करवाते हुए कि 5-5 मिनट की वीडियो बना लेनी है। अगर बच्चों को तुमने हाथी राजा की पोयम सिखाई है, तो हाथी राजा की पोयम सिखाते सिखाते आपको उसकी वीडियो बनानी है। कितने मिनट की? 5 मिनट की। एक वीडियो कितने मिनट की होनी चाहिए? 5 मिनट की। क्या मैम 2 मिनट की एक्टिविटी की वीडियो बना ले? क्या मैम 3 मिनट की वीडियो बना ले? भाई जब तुम्हें लिख कर दिया है नोटिफिकेशन में कि 5 मिनट की वीडियो बनानी है, तो क्या नखरे हैं कि 2 मिनट की बना ले? अगर उन्होंने तुम्हारे नंबर काट लिए तो तुम्हें 90+ नंबर ना मिले तो क्या करोगे? जहां 2 मिनट पढ़ा रहे हो वो 5 मिनट पढ़ा लो, और अगर ना पढ़ाया जाए तो पुरानी चीज को रिपीट करा लेना। ठीक है, कितने मिनट की वीडियो बनाओगे? 5 मिनट की वीडियो बनाओगे। मैम फेज टू में पिक्चर्स भी लगा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपने जो एक्टिविटीज कराई है उसके पिक्चर्स लगा लो, बच्चों ने जो ड्राइंग्स करी हैं, जो एक्टिविटीज करी हैं, उनके सैंपल्स लगा लो। ठीक है, बच्चों से आपने जैसे मैच द फॉलोइंग कराया, तो उसकी वर्कशीट्स लगा लो, अपनी पिक्चर लगा लो, बच्चों की पिक्चर लगा लो, वो एक्टिविटी कैसे करवाई उसकी पिक्चर लगा लो, वर्कशीट्स लगा लो, एक्टिविटी को समझाते हुए की पिक्चर लगा लो, जैसा मन करे वैसा कर लो। हर एक्टिविटी की 5-5 मिनट की वीडियो बनेगी। ये वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है, किसी भी नाम का चैनल बना लो और अपनी वीडियोस अपलोड कर दो। ठीक है, अपलोड करने के बाद कैसे उसके लिंक्स लिखने हैं वो आपको मैं एंड में बताऊंगी। बढ़ते हैं लास्ट फेज 3 यानी कि चरण 3। कितने दिन का काम है? 5 दिन का काम है। पहले 25 दिन यानी कि 25 डेज का काम हम करके आ चुके हैं, अब बारी लास्ट के 5 दिन की। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है? एक थीम चूज करनी होती है। थीम चूज करने के भी अलग अलग तरीके हैं। कैसे? एक आपने थीम चूज कर ली, मान लो आपने थीम चूज कर ली
फ्रूट्स, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, पांचों दिन में एक-एक एक्टिविटी फ्रूट की कराते रहना और बाकी दो-दो एक्टिविटीज कोई भी आप कराते रहना, जैसा ठीक रहे। मतलब आपने हफ्ते के लिए थीम चूज कर ली फ्रूट्स, अब पांचों दिन आपको एक-एक एक्टिविटी फ्रूट की करवानी है, बाकी दो-दो एक्टिविटी कोई भी कराते रहना, एक तरीका। दूसरा तरीका, आपने ले लिया फ्रूट्स, पांचों दिन धड़ाधड़ फ्रूट्स पे कराई जा रहे हो, फ्रूट्स की पहले दिन भी तीन एक्टिविटी, अगले दिन भी तीन एक्टिविटी, अगले दिन भी तीन एक्टिविटी। बट ये अब ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे के ना दिमाग में वो टॉपिक ज्यादा ही, बच्चा फिर वो इरिटेट हो जाता है एक ही टॉपिक पे। तो ऐसे मत करना, ऐसे कर लेना, एक बार आपने लिया फ्रूट्स तो एक एक एक्टिविटी फ्रूट्स पे करा दी। करवाने को आप ये भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कराना चाहते हो क्या। आपने लिया फ्रूट्स और पहले दिन तीन एक्टिविटीज फ्रूट्स पे करा दी, अगले दिन लिया फ्रूट्स ही चल रहा है टॉपिक, तो अगले दिन भी फ्रूट्स के ऊपर तीन एक्टिविटीज ऐसे भी करा ली। तीसरा तरीका, आप डेली की एक एक थीम ले लो, पहले दिन की थीम फ्रूट्स, पहले दिन तीन एक्टिविटीज फ्रूट्स पे करा दी, अगले दिन की थीम ले ली वेजिटेबल्स, तो अगले तीन एक्टिविटीज वेजिटेबल्स पे करा दी, फिर करा दी बॉडी पार्ट्स पे, फिर करा दी फेस्टिवल्स पे, फिर करा दी कलर्स पे, ऐसे भी कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, डेली की एक एक थीम चूज करके उस पे तीनों एक्टिविटीज करा देना, या एक थीम चूज कर ली फ्रूट्स और डेली उसकी एक एक एक्टिविटी और बाकी दो कोई भी करा सकते हो। फेज थ्री में सबसे पहले आपको करिकुलम बनाना होता है, पाठ्यचर्या, कि बच्चे इतने बजे आएंगे, इतने बजे ये कराएंगे, उतने बजे वो कराएंगे, ठीक है जी। करिकुलम पाठ्यचर्या बनेगी, उस दिन की जनरल रिपोर्ट लिखी जाएगी, सामान्य रिपोर्ट कि वो पूरा दिन कैसा गया। एक दिन में मिनिमम आपको तीन एक्टिविटीज करानी है, मैक्सिमम कितनी करानी है, चार। चार बहुत ज्यादा हो जाती है तो तीन ही करा लेना, मोर देन सफिशियंट है, नंबरों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीन एक्टिविटीज और देन सबकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। क्या यहाँ पर भी वीडियो बनानी है? जी हाँ, जैसे फेज टू में वीडियो बनाई, ऐसे फेज थ्री में भी वीडियो हंसते मुस्कुराते हुए बनानी है। डर किस बात का वीडियो बनाने में? अरे भाई, टीचर बनने वाले हो तुम, अच्छी अच्छी सैलरी मिलेगी, जॉब लगेगी, तो हंसी खुशी से बच्चों को पढ़ाओगे नहीं? जितना ज्यादा तुम बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे आगे तरक्की करेंगे, उतनी तुम्हारी तरक्की होगी ना। तो फिर पढ़ाने से घबराना कैसा है ना, जो काम लाइफ टाइम करना है, जिस काम से तुम्हें लाइफ टाइम अर्निंग्स करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने में कौन सी बुरी बात है। मुझे आज कोई कह दे जाओ मैम, सिमरन मैम कल ना उस प्ले स्कूल में जाके पढ़ाना है, देख लो मैं बिल्कुल फटाफट से तैयार होके अपना सूट निकालूंगी और कल पहुंच जाऊंगी, और उनको इतनी बढ़िया बढ़िया एक्टिविटीज करा के आऊंगी। क्योंकि भाई हम टीचर्स हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो और कौन पढ़ाएगा, है ना। तो ये जज्बा अपने अंदर लेकर आओ, ये मोटिवेशन लेकर आओ, फिर देखना टीचिंग प्रोफेशन कितना मजेदार लगता है, ठीक है। 5-5 मिनट की वीडियो बनानी है, डन हो गई। एक दिन में मिनिमम तीन एक्टिविटीज करानी है, तो 5 दिन अगर लगातार तीन तीन एक्टिविटीज करा रहे हो तो कितनी एक्टिविटीज हो गई, 15 एक्टिविटीज। एक दिन में मैक्सिमम चार करा सकते हो, अगर पांचों दिन चार चार करा रहे हो तो 20 एक्टिविटीज हो जाएंगी। प्रेफरेबल यही है, 15 एक्टिविटीज करा लेना, तो पीछे की 30 एक्टिविटीज की 30 वीडियोज, यहाँ की 15 एक्टिविटीज की 15 वीडियोज, कितनी वीडियोज हो गई टोटल, 45 वीडियोज। अपलोड कैसे करनी है, कैसे लिंक लिखे जाएंगे, आगे बताती हूँ, उसके बाद ये देख लो। एंड में फिर क्या लगेंगे आपके एनेक्स्टर्स, मतलब प्रोजेक्ट के आप आगे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लगाने पीछे लगाना कोई बात नहीं है। इंग्लिश में कौन कौन से एनेक्स्टर्स अटैच किए जाएंगे, रिवाइज एनेक्स्टर 1A, रिवाइज एनेक्स्टर 1B, एनेक्स्टर 7A, एनेक्स्टर 3। अब एनेक्स्टर 3 में ना एंड में उनके एनेक्स्टर के अंदर मल्टीप्लाई के लिए दे रखे 70। अब 70 से मल्टीप्लाई नहीं होता, उसको छोटा सा काट के 30 लिख देना, एंड में 30 से मल्टीप्लाई होगा। हमारा जो गाइड मार्क्स देता है वो 30% से मार्क्स देता है, इग्नू वाले टीचर अब 70% से मार्क्स देते हैं। हिंदी में कौन कौन से संगणक लगेंगे, संशोधित संगणक 1A, संशोधित संगणक 1B, 7A संगणक और संगणक 3। एंड में वही 30 से मल्टीप्लाई होगा, 70 से नहीं होगा, ठीक है। अब जब आप हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो, आपको फेज 1 सॉल्व मिलता है, फेज 2 सॉल्व मिलता है, फेज 3 सॉल्व मिलता है, ठीक है जी। उसके साथ आपको ब्लैंक एनेक्स्टर्स मिलते हैं, उनको भरना कैसे है वो मिलता है, तो सारी की सारी गाइडेंस, मेरी गाइडेंस मिलती है कैसे और क्या बढ़िया कर सकते हो कि आपको अच्छे नंबर मिले, वो सब मिलते हैं। क्योंकि जब बच्चे खुद प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, कंफ्यूज हुए रहते हैं, कैसे मैम
प्रोजेक्ट मैनुअल कितनी पढ़ के क्या समझना है, रिवाइज जो गाइडलाइंस आई है उनमें से क्या समझना है, तो इन सब का मेल जोल करके जो आपको चीजें करेक्ट फॉलो करनी है मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब कुछ संगणक जो है रिवाइज एंड एक्सेल से लिए गए हैं, कुछ आपकी बुक से लिए गए हैं, खुद ढूंढने बैठोगे तो हो जाओगे कंफ्यूज। जब हमसे प्रोजेक्ट परचेज करते हो तो मैं आपको वो कंबाइंड पीडीएफ दे देती हूँ कि ये भरना है, ऐसे ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है जी, अब आते हैं लास्ट। मैम ये स्लाइड तो ब्लैंक दिख रही है, ये स्लाइड इसलिए ब्लैंक दिख रही है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी सिमरन मैम टिप्स लिखेंगी। क्या लिखेंगी? टिप्स। क्या टिप्स? देखो अब आप बोलोगे मैम प्रोजेक्ट पे साइन करवाने जरूरी है। हाँ जी, आप जिस भी प्ले स्कूल में वीडियोस बना रहे हो वहां पे कोई टीचर जिसने ईटीटी एनटीटी जेबीटी डीएलएड कर रखी है वो आपका गाइड बन जाएगा। ठीक है, वो आपका गाइड बन जाएगा, तो एनेक्स्टर्स पे जहां जगह गिवन है गाइड के साइन की वहां पर वो अपने साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल मैम के भी साइन होंगे, वहां पर जगह है प्रिंसिपल मैम के साइन के, तो प्रिंसिपल मैम भी वहां साइन करेंगी और स्टैंप लगाएंगी। डन हो गई। अब गाइड ने जिन्होंने साइन करे हैं उनके डिप्लोमा की, उन्होंने ईटीटी कर रखी है, एनटीटी कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, जो भी कर रखी है उनके डिप्लोमा की भी फोटोकॉपी लगा देना ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ भाई ये टीचर सही में टीचर है। डन हो गई बात? बिल्कुल डन हो गई। एनेक्स्ट्रास करेक्ट तरीके से भरने हैं, कोई भी ऐसे टेढ़े मेढ़े गलत नहीं भरेगा। अगर आप हमसे प्रोजेक्ट ले रहे हो तो कोई टेंशन है नहीं, हम आपको बताएंगे सारी चीजें, तो उसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर खुद बना रहे हो तो देख के कर लेना। डन हो गई बात। वीडियोस का बताओ मैम, वीडियोस बना ली, यूट्यूब पे डालनी है? हाँ मैम। डेली एक एक वीडियोस डालनी जरूरी है क्या? ना भाई, तुम्हें वीडियोस डालनी है, आपने किसी भी नाम का चैनल बना लिया। अब आप सोचते हो मैम मेरे पास तो इतना नेट ही नहीं, एक दिन में वीडियो अपलोड करती हूँ सारा नेट खत्म हो जाता है, मैं क्या करूँ? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना के रख लो, किसी दिन आसपास कैफे के पास जाना या जहां पर तेज वाईफाई हो वहां जाना और अपनी वीडियोस अपलोड कर देना। आपका मन है डेली एक एक वीडियो अपलोड करने का? वेरी गुड, कर सकते हो। आपको लगता है तीन चार कट्ठी अपलोड करनी है? तीन चार कट्ठी अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपने वीडियो अपलोड करी नीचे आता है लाइक, फिर आता है कमेंट और फिर आता है शेयर। शेयर पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ खुल जाता है जिसमें आपकी वीडियो का लिंक लिखा आ रहा होता है और नीचे लिखा होता है कॉपी लिंक। अब आप क्या करोगे, उस लिंक को कॉपी करके नोट अपने फोन में, क्या फोन से कर रहे हो या पीसी से कर रहे हो, नोट पैड खोल लेना, या अगर पीसी से कर रहे हो तो वर्ड खोल लेना, उसमें ऐसे लिखना फेस टू एक्टिविटी वन, उसके सामने उसका लिंक पेस्ट कर देना। फिर ऐसे ही जो दूसरी वीडियो अपलोड करी है उसका लिंक कॉपी करके एक्टिविटी टू के नीचे उसका लिंक अपलोड कर देना। मैं जब आपको प्रोजेक्ट का सैंपल दिखाऊंगी तो ये सारी चीजें शो करूंगी, बताऊंगी कैसे सबमिट होता है, सबसे पहले क्या लगाना है, एंड में क्या लगाना है, कैसे कैसे किस कवर में डालना है, किस फाइल में डालना है, किस एड्रेस पे भेजना है, सब बताऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कर ली, ये सारी आपके प्रोजेक्ट में एक डलेगी, आप उसका फाइल में डालोगे, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल खुला होगा तो उस ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर देना। अगर स्पीड पोस्ट करना होगा तो एड्रेस हम बता देंगे, उस पे आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो स्पीड पोस्ट कर सकते हो। जैसा सबमिशन होगा हम बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए, टेंशन किस बात की है ना, तुम्हारी सिमरन मैम यही तो है। ये थोड़ी था कि अभी तक जो पुराने बच्चे थे बस उन्हें ही 90+ मार्क्स दिलवाने थे, हमारा मोटिव है आगे आने वाले जितने बच्चे आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं, बस आप मेहनत करते रहना, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। ये वीडियो थी आपको बताने के लिए, ये जो DEC 4 प्रोजेक्ट की इतनी टेंशन तुम लेकर बैठे हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो मेन मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी। आगे आने वाली वीडियोस में मैं हिंदी प्रोजेक्ट का सैंपल डाल दूंगी, एक इंग्लिश प्रोजेक्ट का सैंपल डाल दूंगी, सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कैसे क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बता देना कि कैसी लगी वीडियो। DEC का किसी भी ईयर का सॉल्व असाइनमेंट लेना हो, प्रोजेक्ट लेना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने हो तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। आई होप तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की मिले और तुम अपनी लाइफ में जल्दी से सेटल डाउन होके खूब 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 तरक्की करो। थैंक यू।